हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ। आरआरबी एएलपी आरपीएफ टेक्नीशियन यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस राजस्थान एलडीसी और लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब असिस्टेंट और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबके लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर जिन्हें हम बहुत ही डीपली एक एक अक्षर को अच्छे से समझते हुए करते हैं और इस क्लास का फायदा आपको पेपर में निश्चित रूप से होगा। इस बात से आप बेफिक्र रहना। आज का जो टॉपिक होगा, ज्यादा लेट नहीं करते, टॉपिक होगा गैसियस लॉज। गैसियस लॉज क्या कह सकते हैं? गैसीय नियम। कहने का मतलब ऐसे नियम जो गैस का बिहेवियर बताते हैं कि गैस कैसे व्यवहार करती है। व्यवहार मतलब कि गैस के अगर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम को आयतन दाब और ताप को बदलते हैं या उसमें बदलाव करते हैं तो गैस पर क्या असर आता है, इन सारे लॉज को बताते हैं गैसीय नियम। अलग अलग टाइप के होते हैं। अब समझना, आप जानते हैं गैस क्या होती है कि जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है, स्पेस होता है, बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है। पहली बात, खाली स्थान होता है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल भी जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, इनको आराम से इजीली कॉम्प्रेस कर लेते हैं। हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं ना इनको, इजीली एक दूसरे इसके पास ला सकते हैं। इस पे प्रेशर दिया, मानो इसको एक कंटेनर में बंद कर दिया और ऊपर से प्रेशर दिया तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ना तो इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही इनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका कोई आकार निश्चित होता है। जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल बहुत कम होता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो गैस के बारे में समझ में आ गया चार चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है आकर्षण बल, इनके बीच में स्पेस खाली स्थान ज्यादा होता है, इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं संपीड़ित कर सकते हैं, वॉल्यूम ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होती है ना ही कोई फिक्स शेप होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, गैस। गैस के बिहेवियर, गैस का जो बिहेवियर होता है, अब कोई भी चीज है जैसे मेरा बिहेवियर है उसे आप कैसे नापोगे, या मेरी करेक्टरिस्टिक आपको नापनी है, मेरा वजन और मुझे गुस्सा कब आता है, अगर मुझे आप चांटा मारोगे तो मैं कितनी देर तक उस चांटे को सह सकता हूं, तो इस तरीके की कुछ क्या हो गई, प्रेशर तापमान टेम्परेचर, इन सब में आप मेरी करेक्टरिस्टिक को देखोगे, बिहेवियर को देखोगे। सेम टू सेम हमने गैस की भी कुछ प्रॉपर्टी ली, गैस की भी क्या ली बच्चा, हमने कुछ प्रॉपर्टी या गुण जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या माप कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है, मास अर्थात द्रव्यमान, वॉल्यूम अर्थात आयतन, प्रेशर अर्थात दाब, टेम्परेचर अर्थात ताप। तो ये जो मास वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर होता है ये गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, हम इनको माप सकते हैं और इन्हीं के बीच में रिलेशन, इन्हीं के बीच में संबंध बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गैसियस लॉज का। किसका इस्तेमाल करते हैं, गैसियस लॉज का। तो क्वेश्चन आता है गैसियस लॉज किसके बारे में रिलेशन बताते हैं, दे रिलेट या दे इंटर रिलेट द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस लाइक मास वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि गैसीय नियम वह नियम होते हैं जो गैस की मापने लायक गुणों को जैसे द्रव्यमान आयतन दाब और ताप में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, अच्छे से समझिएगा, एंड बहुत ही शानदार होगा, बस तुम अपना ही कर्तव्य मत भूलना। स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, नंबर वन। और देखो आज याद भी करा दूंगा तुम्हें, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद में, भूल के बता देना मुझे, बस तुम लोग साथ नहीं देते हो चाहे कितने अच्छा पढ़ा लो। चलिए नंबर वन, बॉयल्स लॉ।
नंबर वन बॉयल्स लॉ, नंबर वन होता है हमारे पास बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ठीक है बच्चा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होगा, आपने जितना मास लिया है, अमाउंट ऑफ गैस जितना भी आपने गैस का द्रव्यमान लिया है फिक्स है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। याद रखिएगा अमाउंट ऑफ गैस या गैस की मात्रा क्या है? फिक्स। फिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? स्थिर या कॉन्स्टेंट। तो अब देखो बॉइल, बॉइल से समझो, बॉइल, बॉइल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, बॉइल, बॉइल माने उबलना, और उबलने पर मैंने आपको बता रखा है जब अवस्था परिवर्तन होता है, स्टेट में चेंज आता है, तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। देखो याद करने के लिए, बॉइल माने उबलना, और उबलने में आपको पता है कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो पानी उबलने लगता है, उबलकर वो क्या बन जाता है? भाप। लेकिन भाप बनने वक्त उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है ना। तो बॉइल से समझ लेना, बॉइल माने उबलना, उबलते कम है जब टेम्परेचर, तो वहीं से समझ लेना इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। ताप स्थिर, या क्या कह सकता हूं? स्थिर ताप। तो इसकी दो कंडीशन हो गई कि अमाउंट ऑफ गैस मात्रा फिक्स होनी चाहिए और ताप कैसा रहना चाहिए? कॉन्स्टेंट। तो यह कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा संबंध होता है? अब देखो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करोगे, क्यों रटोगे? समझो, ये मॉलिक्यूल है, अभी इन्होंने ज्यादा जगह घेर रखी है, मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो यही मॉलिक्यूल इतनी सी जगह में आ गए। भाई जब इन्होंने कम जगह घेरी तो कम वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितनी जगह घेर रही है, जैसे इस बोतल में पानी कितनी जगह घेर रहा है। अभी कम वॉल्यूम है, भर जाएगा ज्यादा वॉल्यूम। तो इसमें भी हमने ऐसे किया, जब हमने अभी हमने प्रेशर नहीं दिया, अभी प्रेशर क्या है? कम। तो वॉल्यूम क्या है बेटा? ज्यादा। देखो पूरे में फैले हुए हैं, अब की बार हमने प्रेशर दिया तो ये पास पास आ गए, तो इन्होंने वॉल्यूम क्या ली? कम ली, और प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटके के अपॉन वी। तो दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि पी वी इक्वल टू के, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की जो गुणा होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर। किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां से एक चीज आ गई, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। अगर ये कांस्टेंट है तो शुरुआत का प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा उसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो बाद वाले के प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई होगी। कैसे? मान लो एक कंटेनर पे है, इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, और इस पे मैंने प्रेशर 10 पास्कल लगाया है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, अगर मैं प्रेशर कर देता हूं ज्यादा, मतलब प्रेशर कर देता हूं मैं कम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अभी कितना रहेगा इनका दोनों की मल्टीप्लाई? 20। यहां भी 20, यहां भी 20। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट। तो बॉयल का नियम समझ में आ गया, बॉयल माने टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, पास पास आ जाएंगे, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के इक्वल, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। क्लियर है ना? शाबाश, पहला हो गया बॉयल्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, उतार भी लिया होगा आपने, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, पहला हो गया बॉयल्स लॉ, इसके मैं एंड में स्लाइड भी लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, उससे आप फिर से उतार लेना, समझ लो आज। अब याद कर लेना, बॉयल माने टेम्परेचर फिक्स रहता है। सेकंड नियम, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। सेकंड क्या होता है बच्चा? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। अब कैसे याद करोगे? चार, चार से समझो, चार से समझो, चार, चार
अगर कान पे चार थप्पड़ पड़ गए, चार थप्पड़ कान पे पड़ते हैं तो हाथ के निशान बन जाते हैं ना, प्रेशर से प्रेशर पड़ता है ना, हाथ के निशान कांस्टेंट रहते हैं कुछ देर तक। भाई गाल पे चार थप्पड़ पड़े तो जो प्रेशर पड़ा उसके निशान कुछ देर तक रहते ही नहीं रहते हैं, वहीं से प्रेशर कांस्टेंट। इसमें क्या रहता है, दाब स्थिर। इसमें स्थिर क्वांटिटी कौन सी होती है, दाब। चार थप्पड़ से याद कर लेना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, चार्ल्स लॉ से डर लगता है। प्रेशर क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट स्थिर दाब। थप्पड़ के जो दाग होते हैं वो स्थिर रहते हैं। बाकी अमाउंट ऑफ गैस भी स्थिर रहती है, अमाउंट ऑफ गैस, स्थिर गैस की मात्रा, स्थिर गैस की मात्रा। तो ये क्या कहता है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो दो चीजें बची आपके पास, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब भैया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इसकी जगह क्या जाएगा, के के टी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो v अपॉन t इक्वल टू k। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2। ये हो जाता है मेरा चार्ल्स लॉ, v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इक्वल टू k इनटू t। भाई ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के क्या लगा दिया k, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कांस्टेंट के इक्वल ये पहले वाला वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ये दूसरा बाद के वाला जब आपने वॉल्यूम को घटाया या बढ़ाया होगा, तो ये कौन सा हो जाता है आपका, सेकंड वाला चार्ल्स लॉ। इसके मतलब वही है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी टेम्परेचर भी घटेगा। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी रटना नहीं है। सोचो ये मेरा कुछ है, समझ रहे हो, यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चा जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, सोचने की बात है ये, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये ज्यादा जगह घेरेंगे, इसके मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगी। दूर जाएंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे ना, इसका मतलब दूर जाएंगे। और ये जो टेम्परेचर है यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये बहुत याद रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, यहां पर हम परम ताप की बात कर रहे हैं, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर जाकर सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं माइनस, सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, माइनस 273 केल्विन, पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है, मॉलिक्यूलर गति जो होती है, वेलोसिटी, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा। अब देखो टेम्परेचर घटा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये पास पास आए तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कम हो गई, तो ये क्या होता है चार्ल्स लॉ, चार चांटे प्रेशर कांस्टेंट, वो बहुत याद रखने वाली चीज है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन रिलेशन बता रहा है, तुरंत याद आ जाना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन संबंध, तो क्या चीज कॉमन रही होगी, प्रेशर, क्योंकि वो ही नहीं है, प्रेशर से याद आना चाहिए, चार चांटे चार्ल्स लॉ। ठीक है, हो गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घटा बढ़ा इसे भी मिटा रहा हूं, शाबाश। इसीलिए मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये समझने वाली चीज है, आज इनको रटने वाली चीज नहीं है। अब क्लोरीन का रंग हरा है वो हरा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसमें समझना है। तीसरी चीज गे लूसाक लॉ, क्या बोलते हैं इसको, गे लूसाक का नियम, गे गे लूसाक नियम। अब देखो तीनों दो चीजें तो कॉमन आ गई, एक बार आपने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को एक बार रख दिया कांस्टेंट, एक बार चार्ल्स लॉ में आपने प्रेशर को रख दिया, अब क्या बचता है आपके पास, एक ही चीज बचती है, अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, क्या होगी वॉल्यूम, स्थिर आयतन। तीसरे में क्या बचती है, स्थिर आयतन, वैसे भी जो गे होते हैं उनकी वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इस तरीके से समझ लो, आयतन उनका स्थिर रहता है, गे लूसाक स्थिर आयतन। अब इसकी बात करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस तो इक्वल ही रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। अब ये किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और ये भी कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
स्थिर आयतन पर दाब जो होता है, अब मैं पी के लिए दाब नहीं लिख रहा हूं, इतना समझना चाहिए, पी माने प्रेशर, टी माने टेम्परेचर, आसान है चीजें। तो जो तीसरा आ जाता है गेलुसाक नियम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वही बात आ जाती है पी इक्वल टू के, और इधर आ जाता है टी, तो पी वन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। आपको पता है प्रेशर बढ़ता है प्रेशर कुकर में, तो जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता है प्रेशर कुकर में, पी बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण खाना जो है वो आसानी से बन जाता है। अगर आप प्रेशर पहाड़ पे जाते हो कम हो जाता है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है कम, और यहां भी टेम्परेचर वही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट परम ताप। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 upon T1 equal to P2 upon T2। ये हो गया तीसरा वाला गे-लुसाक नियम। कोई दिक्कत यहां तक? तीन हो गए, बॉयल में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, बचा गे-लुसाक, इसमें क्या हो गया वॉल्यूम, तीनों चीजें याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सोच के बता दोगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे प्रेशर कुकर वाले एग्जाम्पल से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, इसे भी मिटा रहा हूं मैं, चौथा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। फोर्थ आ जाता है एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप समझते हैं, इतने दिन हो गए, अब आप लोगों को मुझसे चीजों को समझना चाहिए, क्वेश्चंस में फिर सारा रिवाइज कर लेंगे। एवोगैड्रो, तो देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आपको बताया था ना 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, कि किसी के भी एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये किसमें बताता है रिलेशन, ये बताता है, ये बताता है कि बाकी की सारी चीजें अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी की सारी चीजें क्या है कांस्टेंट, स्थिर ताप एंड दाब, स्थिर ताप व दाब, तो वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इसको दूसरे शब्दों में समझो एवोगैड्रो नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। तो इसका क्या कहना है, मान लो कि आपने 10 लीटर नहीं कहता, इसको मैं बदल देता हूं, ठीक है, आपने कोई ए नाम की गैस है, कोई ए नाम की गैस ली, आपने कोई बी नाम की गैस ली, ये भी 22.4 लीटर है, ये भी 22.4 लीटर है, तो एवोगैड्रो का नियम कहता है कि इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी इतने होंगे और इसमें भी इतने इतने होंगे। क्या सुना आपने, आपने सुना कि एवोगैड्रो नियम क्या बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं। इनका अब क्या कहना है, इनका क्या कहना है कि अगर आपने ए गैस और बी गैस ली, भाई मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, दोनों गैस में आपने 22.4 लीटर लिया, इसमें भी 22.4 लीटर लिया, तो इन दोनों की सेम वॉल्यूम में, अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या भी बराबर होगी, अणुओं की संख्या भी क्या होगी बराबर। ये किसने बताया था, एवोगैड्रो नंबर। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मानक ताप और दाब, तो मानक ताप जो होता है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 100 kPa, 10^5 pascal भी कह सकते हो, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा गया है एवोगैड्रो नियम में कि वन मोल जो होता है गैस में वो 22.4 लीटर, जैसे वन मोल होती थी ना, यहां पे कितना होता है 22.4 लीटर, और वन मोल में कितने एटम होते हैं इतने, तो किसी भी गैस के 22.4 लीटर में 6.022 × 10³ एटम होते हैं, लिख लो इसको, किसी भी गैस की अगर आपने 22.4 लीटर मात्रा ली है तो उसमें एटम्स कितने होंगे 6.022 × 10³। क्या कहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 100 kPa, मतलब 10^5 pascal,
तो किसी भी गैस के 22.4 लीटर में कितने एटम होते हैं? 6.022 × 10^23 एटम्स होते हैं। अवोगाड्रो लॉ, एक इसका क्वेश्चन बता देता हूं सिंपल सा। मान लो आपने 44.4 लीटर गैस ली है, आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आपको पता है एक में कितनी होती है? 22.4 होती है ना, 44.8 मान लो, एक में कितनी होती है? 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? दो। एक में कितने होते हैं? 6.022 × 10^23, तो दो में कितने हो गए? 12.44 × 10^23। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लीटर में वॉल्यूम दे देगा गैस की, पूछेगा उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको यह याद रखना है कि 22.4 लीटर में एक मोल होता है, वन मोल। तो आप जितनी भी मात्रा आपको दी गई हो अमाउंट, उसको 22.4 से डिवाइड करना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उसमें 6.022 × 10^23 की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चार लॉ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बताता है कि इक्वल अमाउंट, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए, और किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? मानक दाब और ताप 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और जो प्रेशर होता है वो होता है 100 kPa, 10^5 पास्कल। चलिए, पांचवा आता है डेल्टन्स डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है कि मान लो एक कंटेनर है, एक कोई डब्बा है, उसमें एक ए नाम की गैस है, उसमें एक बी नाम की गैस है, उसमें एक सी नाम की गैस है, समझ रहे हो ना? कोई एक डब्बा है कंटेनर, उसमें तीन गैस है, ए बी और सी। इस ए बी ये आपस में फोर्स लगा रही है, कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगा रही है, मतलब प्रेशर लगा रही है ना। ये इस पे पी ए प्रेशर, ये पी बी प्रेशर और ये पी सी प्रेशर। तो डाल्टन का कहना है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों के वो होगी एलजेब्रिक सम, तीनों के प्रेशर का टोटल होगा। क्या कहा गया है कि ए ए बी और सी तीन गैस किसी डिब्बे में भर दी गई, ये कितना लगा रही है? पी ए। ये कितना लगा रही है? पी बी। ये कितना प्रेशर लगा रही है? पी सी। तो जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर की दीवारों पर वो इन तीनों का एलजेब्रिक सम होगा, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन का आंशिक दाब कि जो पूरे कंटेनर पे दाब होता है उसमें सभी का सभी गैसेस की छोटी छोटी पार्टिसिपेशन होता है, वो सभी सभी छोटी छोटे मात्रा में प्रेशर लगाती हैं, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो तीनों का कंबाइंड हो जाता है। तीनों का क्या हो जाता है? कंबाइंड। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है आपका? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आ जाता है तीनों की कंबाइन कर दें। अभी आपने जितने लॉ पढ़े, समझ रहे हो, अभी आपने चारों के चारों जितने लॉ पढ़े एक बार रिवाइज करो और दोबारा से देखना समझ में, तो आ जाएगा आपका कंबाइंड लॉ, लास्ट वाला कंबाइंड लॉ, जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ये भी बोलते हैं इसे। अवस्था, अवस्था, इक्वेशन ऑफ स्टेट, हिंदी में समझ लेता हूं क्या बोलते हैं इसको, अवस्था समीकरण। क्या कहते हैं? अवस्था समीकरण कहते हैं इसको, अवस्था समीकरण। ये क्या कहती है? तीनों को याद करो। आपको पता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या दिया गया था? ये दिया गया था ना, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। कोई दिक्कत? आगे जब आप चार्ल्स लॉ में पहुंचे तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, आपको बताया गया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर आप गे लुसाक लॉ में पहुंचे, गे लुसाक लॉ, तो वहां पे आपको बताया गया था वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तीनों बताए गए थे ना, यही तो बताए गए थे।
उसके बाद में चौथा आपको बताया गया था एवोगैड्रो लॉ। क्या बताया गया था? एवोगैड्रो लॉ, जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था। यही था ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब मान लो कि मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, और मेरे पास ये तीन, क्योंकि तीनों कैसी हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों में वी वी है, इनको कंबाइन करूं, क्या करूं, कंबाइन, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ना एंटी, और ये कैसा, इनवर्सली, तो कुछ ऐसा आ जाएगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी अपॉन पी। भाई अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं कि वॉल्यूम इनवर्सली था, वॉल्यूम फिर टेम्परेचर के डायरेक्ट था, वॉल्यूम डायरेक्ट था मोल्स के, तीनों को कंबाइन किया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो ये तो डायरेक्ट है, ये ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे है तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत, मैंने इसको हटा दिया, क्या आ जाएगा इसकी जगह, आर एन टी अपॉन पी, कुछ ऐसा आ जाएगा, और जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस वो गैस होती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और जितने भी लॉ होते हैं इन सबको प्रॉपर फॉलो करती हैं, प्रॉपर फॉलो करती हैं। अब आप कहोगे गे लुसाक लॉ कहां चला गया, तो गे लुसाक लॉ है तो सही, दोनों की मल्टीप्लाई पीवी, ठीक है, तो इसमें आइडियल गैस, आज तक कोई भी गैस आइडियल नहीं है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा ना थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी, और ये जो आर है इसकी वैल्यू है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये जो आर है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल केल्विन, जूल मोल केल्विन, ठीक है, आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, या हिंदी में इसको कहते हैं सर्वव्यापी स्थिरांक, इसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी होती है, जैसे कैपिटल जी की वैल्यू होती थी ग्रेविटेशनल की, सर्वव्यापी स्थिरांक, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। निकालनी आ गई, क्योंकि बॉयल्स लॉ से वी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली टू टी, चार्ल्स लॉ, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एवोगैड्रो लॉ, तीनों को कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ गया पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्लियर है ये सब, चलिए गुड, सारे हो गए ना, PV इक्वल टू NRT, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट डिफ्यूजन। आपने देखा होगा, आप एक कमरे में बैठे रहते हो, आप जाते हो रोड पे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण, विसरण। आपने देखा होगा कि आप डीओ लगाते हो, या अगरबत्ती की महक होती है, इंसेंस स्टिक, डीओ की महक या अगरबत्ती की जो महक होती है, या घर में कुकर में खाना बन रहा होता है, फ्रेशली फूड, फ्रेश फूड बन रहा होता है, तो उसकी जो महक होती है, स्मेल, वो आपको दूर से आ जाती है। कहां से आ जाती है? दूर से आप उसकी महक को सूंघ लेते हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है डिफ्यूजन। आप डीओ वगैरह जो लगाते हो, क्यों लगाते हो? इसीलिए तो लगाते हो, दूसरों को महक आए, दूर से कोई आ रहा हो, आपने टीवी में भी देखा होगा कि महक से सब लोग खिंचे चले आ जाते हैं उसकी तरफ, तो वो किसका कारण है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या बता रखा है, ये तो समझ गए ना, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, जो गैस होती है वो आपस में सम्मिश्रण हो जाता है उनका, क्या हो जाता है? सम्मिश्रण। अब कौन सी गैस किसमें कितना मिक्स होगी, भाई किसमें कितना डिफ्यूजन होगा, कुछ गैस में ज्यादा होता है, कुछ गैस में कम होता है, कुछ में ज्यादा डिफ्यूजन होता है, कुछ में कम होता है, उसी के लिए एक लॉ आया जिसे बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ
डिफ्यूजन, विसरण का ग्राहम नियम, विसरण का ग्राहम नियम। ग्राहम जी ने एक लॉ दिया जिसको बोला गया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कौन सी गैस कितना मिक्स होगी कितना मिक्स नहीं होगी। इसके जो देने वाले थे ग्राहम्स लॉ, मतलब ग्राहम, उन्होंने क्या बताया कि मान लो, समझना इसको, कि कोई ए नाम की गैस है, किस नाम की गैस है, ए नाम की, कोई बी नाम की गैस है, बी नाम की, इसकी वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन, विसरण वेग, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, विसरण वेग, विसरण वेग, इसका तो R1 है, कितना है R1, और इसका विसरण वेग कितना है R2, समझ रहे हो ना। ये A वाली गैस का विसरण वेग कितना है R1, इसका विसरण वेग कितना है R2। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व, एक दूसरे से कौन कितनी भारी है, आपेक्षिक घनत्व, इसकी रिलेटिव डेंसिटी d1, इसकी रिलेटिव डेंसिटी d2। ये दोनों चीज समझो। वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन, कौन कितनी तेज से डिफ्यूज हो रही है, आपस में मिल रही है, इसका कितना है r1, इसका कितना है r2। रिलेटिव डेंसिटी घनत्व, घनत्व याद है ना, रिलेटिव डेंसिटी, इसका d1, इसका d2। तो ग्राहम्स लॉ कहता है, विसरण तो समझ में आ गया होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, और कमरे में कभी बस में जा रहे होगे, महक आ जाती ना अजीब सी बदबू, तो वो भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है ना। कुछ लोग गद्दार होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी, जब उनको खाना वाना नहीं पचता, वो भी ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इतना समझ में आ गया। तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहा गया कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के अंडर रूट के। फिर आगे कहा गया R2 इक्वल टू वन अपॉन d2। भाई यहां पे जो R1 है, रिलेटिव डेंसिटी है, वो अंडर रूट के, मतलब रिलेटिव डेंसिटी के अंडर रूट के क्या है, इन्वर्सली, तो R2 भी इन्वर्सली होगा। इन दो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमने इनको हटाया आगे, हमने क्या किया कि इसको कर दिया R1 इक्वल टू k, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हट गया d1, R2 इक्वल टू k, इसका भी साइन हट गया d2। अब ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, हमने इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर वन को किससे डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर टू से, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, R1 बटे R2, k से k कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये d2 ऊपर पहुंच जाएगा, d2 अपॉन d1, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अरे भाई मैं इसको डिवाइड करूंगा तो k अपॉन अंडर रूट d1, k अपॉन अंडर रूट d2, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, k से k कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, d2 अपॉन d1, इसको स्टार लगा के लिख लो, कि जो वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन r1 अपॉन r2 इक्वल टू d2 अपॉन d1 के इक्वल होती है, d2 अपॉन d1 के इक्वल होती है। अब यहां एक क्वेश्चन कर लेते हैं आसान सा, कि मान लो दो गैस हैं, इसकी डेंसिटी है 1, इसकी डेंसिटी है 16, इसकी डेंसिटी कितनी है 16, क्लियर है, इसकी डेंसिटी कितनी है 16, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी निकालो, R1 निकालो। क्या कहा गया है भाई, D1 है, D1 की जो वेलोसिटी है, D1 की, ये तो चलो यहां पे लिख दे रहा हूं R2, कहीं दिक्कत हो रही हो, इनवर्सली D2 के, ठीक है, इन दोनों को शामिल किया था तभी आया था मेरे पास डायरेक्ट, जो मैंने फॉर्मूला बताया है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि D1 कोई गैस है A, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 1, कोई गैस है B, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 16, इसका R2 कितना है 5, इसका कितना है R1, निकालो जरा, R1 निकालो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा, R1 निकालना है, R2 कितना है आपके पास 5,
D2 कितना है 16 और D1 कितना है 1, तो भैया इसका अंडर रूट करोगे तो क्या जाएगा 4 4/1 R1/5 इक्वल टू क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R1 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। शाबाश 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 सर, तेजी से टाइम बीत रहा है। जबरदस्त सेशन है, समझ में नहीं आया होगा पर कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करोगे ना सब समझ हो जाएगा। दोबारा पढ़ना, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दोबारा बिना करे, दोबारा अभ्यास बिना किए कुछ बन जाए। दोबारा पढ़ना, ऐसा सेशन जिंदगी में मिलेगा नहीं कहीं भी ढूंढे से। आधे घंटे में सारे लॉ कर लिए, जल्दी नहीं कराता दिक्कत हो जाती, पता है सिलेबस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, समझ नहीं आ रहा, बोर्ड क्लीन रखूं, अब इस पे एक काम करूं हीरे मोती चुपकाऊं, तुम समझना चाह नहीं रहे हो बच्चा। अभी क्वेश्चन करोगे फिर देखना, अभी क्वेश्चन करोगे फिर देखना, मुझे दोष दे दोगे 2 मिनट में, अभी देखो 1 मिनट रुको। क्लियर तो है सारी चीजें भैया, कैसी बात करते हो बाबू इतने बड़े होकर। चलो अब सोचो, जो मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक बताई थी, दिमाग लगाओ फटाफट से। और यही क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड नहीं पूछेगा आपसे, याद रखना यही क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, बॉयल से याद करो, बॉयल का बताया था ना एक ट्रिक छोटी सी, बॉयल माने टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहता है जब बॉयल होती है चीजें, भाई बॉल तो टेम्परेचर से संबंधित है, बॉइल तो टेम्परेचर कैसा रहता है कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, स्थिर ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, स्थिर ताप होता है बच्चा, ताप कैसा रहता है स्थिर, बॉयल्स लॉ, तभी तो बताता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, PV इक्वल टू K, P1V1 इक्वल टू P2V2। शाबाश बहुत अच्छे। ग्राम का विसरण रूल आ जाएगा समझ में, रुको आएगा भी दोबारा वो बेटा। जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली व्युत क्रमानुपाती होती है उनकी डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के। P is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, किसने दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसने दिया है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सही बॉयल्स ने दिया है, किसने दिया बच्चा, बॉयल्स ने, बॉयल ने तो बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट, तुरंत याद आ जाना चाहिए था कि इसमें तो P और V दे रखे हैं, टेम्परेचर नहीं है, मतलब टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। ये भी याद ना हो तो भी याद आ जाना चाहिए था टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें है, बॉयल्स नियम में। भाई इसमें दो चीजें दे रखी हैं PVT, PVT में से दो चीजें दे रखी हैं, एक नहीं है, एक किसमें होता है कांस्टेंट, बॉयल्स में, वहीं से याद कर लेना T इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सर, जल्दी मत बीतिएगा, अब मत बिताइए, हटाइएगा मत, इसको बताइए आप, इसको बताइए, इसको बताइएगा। और मैं क्या कह रहा हूं ना, 15 डिसलाइक मत करो, इसको सारे के सारे कर दो तब अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, थोड़ा दिमाग लगा के आएगा इसका आंसर, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 3 का डिफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो इसको बेटा, अभी आपको पता है कि P1V1 इक्वल टू P2V2 ये बॉयल्स लॉ से आए थे, ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डी इधर आ जाएगा, m/d, वॉल्यूम इक्वल टू m/d, तो मैंने वॉल्यूम की जगह लिख दिया
V1 इक्वल टू M1 अपॉन D1 और V2 इक्वल टू M2 अपॉन D2। बाबू घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैंने यहां से आयतन की वैल्यू निकाल ली, घनत्व इधर आ गया D, मैंने अपने फॉर्मूले में रख दी, M1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2। आपको पता है कि मास जो होता है वो कांस्टेंट था, दोनों का सेम था, तो ये आ गया P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन D2, मतलब कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन D इक्वल टू K नाम के कांस्टेंट, और जब K को हटाएंगे धरा के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, K को हटाएंगे तो इनवर्स का साइन। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डेंसिटी, प्रेशर डेंसिटी, तुरंत याद होना चाहिए था, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम, और वॉल्यूम कम हो जाएगी तो पास पास आ जाएंगे, जब चीजें पास पास आती हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। बॉयल्स लॉ किससे आया है, ये बॉयल्स लॉ से, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बॉयल्स लॉ से आया है। P इक्वल टू K, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यहां से भी याद कर सकते हो, बॉयल्स लॉ। यहां बस मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, कुछ भी मत सोचो, इतना तो आप दिमाग में लगा ही सकते हो कि जब चीजें पास पास आ जाती हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, और आपसे प्रेशर और डेंसिटी के बारे में बता रखा था, भाई प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी, और डेंसिटी मतलब मास वॉल्यूम, तो प्रेशर, और ये यही तो कह रखा था, मास अपॉन वॉल्यूम, भाई डी की जगह क्या लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। एक चीज फिर से सोचो, चलो छोड़ो, यहां से याद करो, पी दे रखा है डायरेक्टली, पी की डी की जगह क्या रख दो, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इनवर्सली हो गए ना दोनों, ये भी किसमें थे, बॉयल्स लॉ में, ये बॉयल्स लॉ ने तो दिया था, और शॉर्ट में कर लो, हो गया ना, हो गया, डी की जगह डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ क्या बताता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर चार्ल्स लॉ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पता है, मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको पता था कि गैस लॉ पढ़ाया जाना है, कल क्लास नहीं हुई है, थोड़ा सा पढ़ के भी आना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 कहां है सर, इंग्लिश में तो बोल रहा हूं मैं, प्रेशर टेम्परेचर कहां हिंदी में बोल रहा हूं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ क्या बताता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, चार्ल्स लॉ बताता ना, चार चांटे प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये दूर दूर जाने लगते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, कुछ भी याद करने वाला नहीं था, सब कुछ समझने वाला था, प्रेशर घटेगा वो वॉल्यूम घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो ये पास पास आ जाएंगे। 4 का सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, गे-लुसाक नियम के अनुसार, गे-लुसाक नियम, तो गे-लुसाक नियम क्या कहता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगी, आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, स्थिर, भाई गे आयतन उसका स्थिर है, तो बचा क्या, टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, गे-लुसाक
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ वन मोल ऑफ गैस के एक मोल में कितने लीटर होते हैं. बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी कुछ भी नहीं था, 22.4 लीटर. और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10³ एटम्स या मॉलिक्यूल्स. शाबाश डी, 22.4 लीटर. क्वेश्चन नंबर सेवन, शाबाश जबरदस्त, वेरी गुड. अरे इनवर्सली नहीं होगा बेटा, उसके में डायरेक्टली होगा. कैसे कह रहे हो आप, गे-लुसाक लॉ में डायरेक्ट होगा, इनवर्सली कहां से हो जाएगा. ट्वेंटी 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन, 6.022 × 10³ आंसर ही दे रखा था मैंने. क्वेश्चन नंबर सेवन का ए. क्वेश्चन नंबर एट, फिर से एक बार वीडियो को चला के देखना बच्चा, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर एट, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी सही है. आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है आपको. क्वेश्चन नंबर एट कौन सी सही है, ए पीवी इक्वल टू एनआरटी. हमें गर्म खाने की खुशबू थोड़ी दूर से महसूस कर लेते हैं, हम गर्म खाने की खुशबू थोड़ी दूर से महसूस कर लेते हैं डैश के कारण. क्वेश्चन नंबर नाइन ए डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग के कारण, कि जो खाने वाली गैस में जो कण होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं. खाने के कण किस में मिल जाते हैं, हवा में, वो इंटरमिक्स हो जाती हैं दोनों, डिफ्यूजन विसरण. क्वेश्चन नंबर नौ का ए. क्वेश्चन नंबर टेन, कारखानों से कई तरह की गैस निकलती हैं. बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मेनली निकलती है, वी स्मेल, वेरी गुड, हो गया. क्वेश्चन नंबर टेन, ये किसका फॉर्मूला है, R1/R2 = D2/D1. क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन मत लगाइएगा सर, वो मैंने बत करा दिया था इनको. बेटा देखो ग्राहम लॉ फिर से समझ लो एक बार, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. क्या कहता है ग्राहम, कि कोई एक ए नाम की गैस है जिसकी वेलोसिटी R1 है, उसकी जो डेंसिटी है रिलेटिव वो D1 है. कोई बी नाम की गैस है उसकी वेलोसिटी आर टू है और उसकी डेंसिटी डी टू है. तो ये क्या कहता है कि वेलोसिटी और डेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/√D1. कहने का मतलब कि वेलोसिटी
डेंसिटी के इनवर्सली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ये भी कहती है ठीक है मेरी भी स्क्वायर रूट के होगी। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास आ जाता है आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन। ये होता है ग्राहम्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, सी ग्राहम्स लॉ। सर हटाने का क्वेश्चन देता हूं, इसका बताइए का आंसर। कोई ए नाम की गैस है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 36। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट्स नहीं होती, कट जाती है। आर टू आपको निकालना है और आपको डी वन दे रखा है, डी टू 49। बताइए फटाफट, डी वन 36, डी टू 49। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 36, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 49। आर वन दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, आर टू निकालना है आपको। साइंस बेटा बहुत लोग पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे, ऐसी दिक्कत नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, पर मैं आप लोगों को एक एक चीज समझा के चल रहा हूं। हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया है जो आप बचपन से सीखे थे बड़े होने तक, फिर भी आप देखते हो। तो इसे कहते हैं सपोर्ट, कि कोई इंसान कुछ ज्यादा करता है तो उसको कोई वो नहीं भाव नहीं देता, तो आप भी ऐसे ही कर रहे हो, पर कोई बात नहीं चलेगा सब गुड। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा बेटा इसमें, यही फॉर्मूला ग्राहम्स लॉ का लगा दो, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन। लिख दो वैल्यूज को, आर वन 30 है, आर टू आपको निकालना है, डी टू 49 है, ये 36 है, दोनों का अंडर रूट करोगे 49 7 36 6 30 बटे आर टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30 गुणा 6 बटे 7। अगर यहां पे 49 की जगह कोई और वैल्यू ले लोगे तो ये आराम से कट जाएगा, जैसे मान लो 81 ले ली तो ये आराम से कट जाएगा 81। अगर ये वैल्यू ले लोगे 49 की जगह, यहां पे आपने 81 ले लिया मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये 81 की जगह 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 गुणा 6 बटे 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 10 बार, तो 10 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वैल्यू। अगर आप ऐसी वैल्यू ले लोगे जो आपस में कट जाएंगी, तो इस तरीके से ये हो जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जितने भी लॉ होते हैं, जितनी भी थ्योरी होती है गैस से रिलेटेड, वो मैंने सारी करा दी आपको। इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, वरना समझ में आने के कम चांस होते हैं, क्योंकि कभी आप पढ़ते नहीं हो इसको, सिर्फ रटते हैं। मैंने आपको पूरा ट्रिक से बता दिया, चार्ल्स लॉ में क्या कॉन्स्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ में क्या होगा, सब चीजों को मिलाओगे तो आराम से आप कर सकते हो, इतना इसमें टफ नहीं है। और कल हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कोहल, कीटोन, ये सब क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और फिर हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर हमें बच जाएगा कैटलिस्ट वगैरह, मतलब शुक्रवार तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें फिर प्लास्टिक व्लास्टिक बच जाएगा हमारे पास, प्लास्टिक 2-3 चैप्टर बचे हैं, प्लास्टिक और एल्कोहल। तो ख्याल रखिएगा, मन करे तो पाप लगेगा, ये क्लियर बात है। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करोगे, सपोर्ट दोगे, तभी मैं आगे लंबी क्लास चलाऊंगा, नहीं तो मैं 1 घंटे में चलाते रहूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो। अब मैं अपनी टेंशन नहीं लेने का, भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मैं पागल हूं बिना ऑक्सीजन के करता रहूंगा कुछ भी। तो याद रखिएगा, लाइक शेयर सपोर्ट करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ, पढ़ के आइएगा एल्कोहल वगैरह, हाइड्रोकार्बन। ओके, जय हिंद, थैंक यू।